महोबा में तलाक के मुकदमे के बीच ही दूसरी शादी रचाने आए दूल्हे को कोतवाली में करीब 4 घंटा तक नाटकीय घटनाक्रमों से जूझना पड़ा। नई दुल्हन के साथ जयमाला का मौका मिला। दूसरे विवाह की सूचना पर पहली पत्नी पहुंच गई, जिसने विवाह स्थल और कोतवाली में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दूसरे विवाह की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कोतवाली में दोनों पक्षों को बुलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे विवाह के बीच पहली पत्नी के हाई वोल्टेज हंगामे का मामला जनपद के चरखारी कस्बे से सामने आया है, जहां गेस्ट हाउस में दूसरा विवाह रचाने आए दूल्हे राजा को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लवकुश नगर निवासी दूल्हा अजीत नागर और दुल्हन चरखारी कस्बे में विवाह के लिए परिवार संग पहुंचे थे, जिसकी भनक दूल्हे की पहली पत्नी शिवानी को लग गई। तलाक के मुकदमे के बीच ही पति के हो रहे दूसरे विवाह को रुकवाने के लिए वकील के साथ शिवानी चरखारी पहुंच गई। पहली पत्नी ने कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शादी रुकवाने की मांग भी करने लगी। पहली पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह का मामला देख पुलिस भी हरकत में आ गई। शिकायत पर पुलिस विवाह घर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर वर और वधू में अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कड़ा रुख देख बाराती और घराती एक एक कर खिसकना शुरू हो गए। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंच गई। दूसरी शादी रचाने आए अजीत नागर ने बताया कि उसका विवाह 25 नवंबर 2020 को शिवानी निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के साथ हुआ था, लेकिन शादी के बाद वह मात्र 3 महीने ही साथ रही और उसने मुरैना में दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस बीच अपने बचाव में अजीत ने लवकुश नगर में तलाक का मुकदमा दायर किया, जिसमें पहली पत्नी के न पहुँचने पर अदालत ने इसका एक तरफा फैसला उनके हक में सुनाया और न्यायालय से तलाक के बाद वह दूसरा विवाह कर रहे हैं। जबकि पहली पत्नी शिवानी का कहना था कि उसके पति उसके साथ मारपीट करते थे, जिसके मुकदमे के बाद तलाक का मुकदमा भी चल रहा है और आज चोरी छिपे शादी करने की जानकारी उसे मिली थी, जिसकी शिकायत उसने थाने में की है। शिवानी ने पुलिस को बताया कि मुरैना न्यायालय में दहेज एक्ट का मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें पति के अदालत न पहुँचने पर वारंट भी जारी है, लेकिन मौके पर वारंट व मुकदमा अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने के कारण पुलिस ने भी दूसरा व्यवहार रोकने से हाथ खड़े कर दिए। करीब 4 घंटे तक चले इस नाटक में दूसरा विवाह संपन्न हो सका। चूंकि वर वधु दोनों ही लवकुश नगर के हैं, लेकिन शादी रचाने चरखारी पहुंचे, इसको लेकर पुलिस के कई सवालों से भी वर पक्ष को गुजरना पड़ा, लेकिन लवकुश नगर अदालत के फैसले के बाद दोनों की शादी संपन्न हो सकी। सर, मेरी शादी 25 नवंबर 2020 में इनसे हुई, अजीत नागर से। और सर, मेरा अभी इनसे डिवोर्स का केस चल रहा है। इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मारपीट की है, उसका मेरा यहाँ पे भी केस चल रहा है और होते हुए केस भी, फिर भी आज ये दूसरी यहाँ पे शादी कर रहे हैं महोबा में, चरखा में। चरखारी में? जी सर, चरखारी में। तो मैं यहाँ थाने में आई हूँ, हाँ, अपनी शिकायत लेके। सर, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। नहीं, जिस तरीके से अभी 2 सालों से आपका केस चल रहा था, केस फाइनल नहीं हुआ, तो और ये लोग कैसे शादी कर रहे थे, आपको जानकारी कैसे हो पाई है? सर, ये मुझे थोड़ा सा मेरी रिलेटिवों ने बताया मुझे कि ये चोरी छुपे शादी हो रही है और सर, ये अभी तक मुरैना एक भी तारीख पे नहीं पहुंचे हैं और फिर भी इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग, बताओ, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, पहली बीवी होते हुए भी ये दूसरी शादी के लिए तैयार है और इनकी फैमिली सारा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।